नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है संगीता यादव को लेकर, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ जिला पार्षदों के द्वारा। आपको बता दें, संगीता यादव जो वर्तमान में जिला परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कुछ जिला पार्षदों द्वारा गंभीर आरोप कल लगाया गया था। उसको लेकर संगीता यादव खेमे के जो भी जिला पार्षद हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सारे आरोपों का खंडन किया और बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि जिस तरह संगीता यादव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिस तरह से कद इनका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसको धूमिल करने का काम किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संगीता यादव क्या है यह सबको पता है, और संगीता यादव सारे जिला पार्षदों को एक साथ लेकर चलने का कार्य करती हैं, और यही कारण है कि लगातार दूसरी बार जिला परिषद का चुनाव जीतकर फिर से जिला अध्यक्ष का चुनाव भी जीती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति और जिला पार्षदों के प्रति संगीता यादव का एक अच्छा कैरेज है, और यही कैरेज विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं जिला पार्षद लोग। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है ये 19 करोड़ 15वीं में आता है, 32 करोड़ नहीं आता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर उनका कंप्लेन है नियोजन शिक्षक के, शिक्षक की बहाली दूसरी तरह से हो रही है, नियोजन इकाई से होती है, ताकि चेयरमैन साहब नहीं करते हैं, और उनकी मानसा है गलत, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग इतने पार्षद लोग बैठे हैं, समान तरीका से सबको समान एक साथ मैडम देती हैं। वो वीडियो शायद आप भी देखे होंगे, उसमें 4-5 पार्षद लोग हैं जो मैडम के नारे लगा रहे हैं, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, इस तरह के उसमें दिखाई दे रहा है। वो तो कल हम लोग साथ ही नहीं थे, तो उनका बातें क्या करना है हम लोगों को बताइए। चुनाव में वोट के समय हम लोग साथ ही नहीं थे, तो उन लोगों को क्या बात करना है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष का काम ही वही है, गलत मुद्दा उठाते रहे। और बताइए, जो भी वो मतलब जैसे नियोजन को लेकर या 15वीं वित्त योजना के तहत जो भी फंड आए उसको लेकर या शिक्षक को बहाली को लेकर, इस सारे चीज़ों को जो बोल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई आपके नज़र? बिल्कुल बिल्कुल गलत है बात मुद्दा उठाए हैं। वो लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये इस बार जो बोर्ड है, हर पार्षद लोग को एक समान दिया जा रहा है। कहना है कि मैडम सौतेला व्यवहार कर रही है काम और के मामले में भी। मैडम संगीता यादव होश में आओ नारे लगा रहे हैं। अरे वो लोग पहले होश में है ना, हम लोग होश में है। 19 करोड़ आता है, पहले 32 करोड़ का बात करते हैं लोग। वो लोग थे पहले, पूरा लूटे हैं, तो ये लूटने का जगह नहीं है, ये आम जनता की समस्या का हल करने की जगह है। ये लूटने वाला खजाना नहीं है, यहाँ संगीता मैडम के की इस अध्यक्षता में कोई लूटेगा भी नहीं। हम लोग यहाँ इतने पार्षद लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए सबको एक बराबर हक दिया जाता है। तो देखिए, आपको विशेष जानकारी के लिए भी हम बता दें कि संगीता यादव लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनी है, यह सिवान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और जब दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनी थी, तभी यह तय हो गया था कि निश्चित इनका जो पहला कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक रहा है, और वहाँ के जो भी जिला पार्षद इनके साथ रहे हैं 5 साल तक, वो इनके कार्य से संतुष्ट थे, तभी जाकर दूसरी बार जो भी जिला पार्षद जीत के आए वो लोग भी इनको जिला अध्यक्ष चुने। तो ये एक भगवानपुर हाट से जो जिला पार्षद बन के आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर, कल जो घटनाएं घटी उसको आप किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, वो लोग जब चुनाव में नहीं हरा पाए जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती संगीता देवी को, तो मनगढ़ंत अपने से बेबुनियाद तैयार किया हुआ प्रोपगेंडा लेकर के, और वो लोग बैठे थे 2-3 आदमी, हाय हाय का नारा लगा रहे थे। अरे विपक्ष का जो काम है वो तो सही ढंग से कीजिए, आप सही मुद्दा लाइए, सही जानकारी के साथ आइए। आगे सिवान जिला को शर्मसार करने का ठेका आप लोग ले लिए हैं। कल का जो वीडियो मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कल का जो प्रोपगेंडा था, जितने लोग थे जो बैठे हुए थे, 2-3 पार्षद थे जो बैठे हुए थे, जब जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी को वो लोग चुनाव में नहीं हरा पाए, तब जाकर के उन लोगों ने ये प्रोपगेंडा तैयार किया ताकि इनकी राजनीतिक छवि को धूमिल की जाए, यानी जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको ब्रेक लगा। बस बस बात वही है, और दूसरा कोई बात। तो अब इसका माइंड कहाँ से देखा जा रहा है, इसका अपने कनेक्शन कहीं और से है क्या? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि चुनाव भी आने वाले हैं अब, हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात है। और ये लोग कहाँ से
ऐसे तैयार करके आते हैं बिना जानकारी के, बिना अनुभव के, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब बताइए, शिक्षक नियोजन पे बोल रहे हैं लोग कि 5 लाख 9 लाख रुपया लिया जा रहा है, अरे उसमें DDC है, उसमें DPO है, उसमें कमेटी बनी हुई है, जांच कराएं। क्या करके आप मीडिया में कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं? बिहार की जनता, सिवान जिले की जनता आपको चुन करके इसीलिए भेजी है का, आखिर सिवान जिले को शर्मसार कीजिएगा आप? सर एक चीज़ है कि डिजिटल जमाना हो चुका है, ऑनलाइन का युग है, सारा चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सब NIC पे अपलोड है, सब NIC पे अपलोड है। और हमारे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, जो अप्लाई किए हुए हैं शिक्षक नियोजन में, सब अपने आप को जानते हैं, अपने मार्कशीट के बारे में जानते हैं, शेड्यूल के बारे में जानते हैं, मेधा सूची के बारे में जानते हैं, एक एक चीज़ से अवगत हैं। कोई 5 रुपया खर्चा करने वाला नहीं है, नहीं कहीं करता है। ऐसा नीतीश कुमार का सरकार है और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, अवगत हैं सारे लोग। रेणु यादव तो बोल रहे हैं कि मेरा सरकार है, एकदम है। RJD यदुवंशी भी बोली है अपने आप को। अरे अब क्या यदुवंशी की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो जाएगी अगर हम इस मीडिया में अब उनके जैसे हम भी बोलने लगे तो बहुत सारी बात, उसको रहने दीजिए तो अच्छा रहेगा। भी योजना का जो भी काम हुआ है वो नेट पे अपलोड है, योजना भी अपलोड है, और वो 19 करोड़ के जगह पे 32 करोड़ का जो नाम ले रही है, क्या जनता में मैसेज जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सूचित कर देना चाहता हूँ कि मैडम आप अगर नहीं जानती हों तो जान लीजिए कि भारत सरकार का ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उस पर अपलोड है। सही बात है, पहले कम से कम वो तो देख करके तो आना चाहिए, अपना जगह सही कर रही हैं। क्या कोई समझेगा, क्या कोई कहेगा कि पोर्टल पे कुछ दिखा रहा है, आप कर रही हैं कुछ, बोल रही हैं कुछ? अरे विपक्ष का तो, ये लोग विपक्ष का काम भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं संगीता देवी पे कि आप मनमानी करती हैं, इतना पैसा इसको देती हैं, इतना पैसा उसको देती हैं। और अपने गिरवान में झांकी है कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने जनता को कैसे ठगने का काम किया है। जब जब ये लोग चुनाव जीतते हैं जनता को ठगने का काम करते हैं और इनका कोई दूसरा काम नहीं रहता। वो काम को लेकर एक बात बोल रही थी कि भेदभाव किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो भी उनके समर्थन में है उनको काम दिया जाता है और हम लोगों को काम नहीं मिलता है। सबसे संतुलित योजनाओं का चयन श्रीमती संगीता देवी के द्वारा अब की बार किया गया है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, सबसे संतुलित है। आइए एक और मौजूद जिला परिषद इनसे जानते हैं, तो क्या कहिएगा इसको लेकर, जो सौतेला व्यवहार किया जाता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को ज़्यादा फंड मिलता है, जो मैडम के खिलाफ में उनको कम फंड मिलता है, क्या कहिएगा इसको लेकर? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो पहले बार वो लोग जीत करके नहीं आए हैं, चाहे वो जो लेडीज रही हैं, क्या नाम है मैं नहीं जानता, उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि वो 6 से लेकर के 11 तक और 11 से लेकर के और 16 तक जीत करके आई हैं। कल का जो बयान दिया उनका नाम नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना जिनकी मानसिक स्थिति, सुनिए, जिनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है उसमें उनका दोष नहीं है। ऐसा लगता है कि 6 में से लेकर के जीत करके आई तो 11 तक रहे, उनका पति जिंदा रहे, और पति के जाने के बाद शायद उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उनको ये ढंग नहीं है और जानकारी नहीं है कि हमको किस मुद्दे पर कहाँ क्या बात करना है। हम तो 11 से लेकर के 16 तक देखे, 16 से वो नहीं रहे, वो हार गई, और फिर इस बार जो है 16 से लेकर के हमारी पत्नी 11 से लेकर के 16 तक, 16 से लेकर के 21 तक, और 21 से लेकर के फिर अभी आई हैं तीसरी बार। तो यही कहना है कि जो आदमी ये नहीं पता कर पा रहा है कि मैं सदन में बैठी हूँ या सड़क पर बैठी हूँ, दफ्ती लेकर के सदन में बैठा जाता है कि सड़क पर बैठा जाता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे बिहार के लोग, सिवान के लोग, सब लोग देख रहा है, उनके क्षेत्र के लेकर के सब, वो सड़क पर बैठी हैं, अनाप शनाप बोल रही हैं, और उस सदन की कह रही हैं कि मैं सदन से ये कहना चाहती हूँ, सदन से, उनको पता नहीं है कि हम सड़क पर बैठ करके सदन की बात करते हैं, सदन में बैठ करके सड़क पर बात करते हैं, तो संतुलन ख़राब है। दूसरी बात यह है कि वो जो पैसे की बात कर रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितना पैसा आया, क्या आया, बिहार के बच्चा जो ऑनलाइन है, ये क्या कहते हैं, पोर्टल पर है, ई ग्राउंड स्वराज पर, सब लोग देख रहा है, वो किसी को गुमराह नहीं कर सकती हैं। मैं आपसे बता दूं कि उनको ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, आप फिर भी कुछ कह रही हैं। दूसरी बात ये हो गया कि वो योजना की बात करती हैं, तो मैं उनका साक्षी हूँ कि संगीता यादव जी हमारे
जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं ये दूसरी बार जीत करके आई हैं, सभी को साथ में लेकर के चलने का काम करती हैं और इनके जैसे पारदर्शिता किसी के शासन में नहीं हुआ। हम लोगों को तो देखा है फौजदार चौहान भी रहे हैं तो उतना बढ़िया से नहीं चला है, उन्हीं के रीजिंग में जो हल्ला मचा रही हैं वो करोड़ों रुपया का काम उन लोग कराया है और हम लोग चाहे और लोग रहा है उन लोगों को इग्नोर किया गया। आज भी मैडम के सामने हमारे अध्यक्ष जी के सामने आकर के अलग से कह रही थी कि हमको विशेष योजना में से दीजिए, हमारे क्षेत्र में काम, हमको विधानसभा लड़ना है, और लोगों को इग्नोर करिए। जिनको लेकर के बैठी थी पहले उनसे तो पूछिए, अरविंद यादव जी, फिर यहाँ आकर के ऊ का कह रहे थे कि नहीं मैडम साथ में चलती हैं लेकर के सबको। वो बताइए जो छोटे लाल यादव जी आकर के मैडम को बधाई दिए और वो भी कह रहे थे कि नहीं हमको विश्वास है मैडम साथ चलती हैं, वो गड़बड़ बोल रही हैं गलत बोल रही हैं, उन्हीं के साथ वाला लोग तो कह रहा है। बाकी से आप सारे बातों को रख रहे हैं तो क्या उसे तो यही अर्थ निकलता है कि मैडम के जो छवि है उसको धूमिल कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कह ही रहे थे कि हम तो अभी भी कह रहे हैं कि उनकी संतुलन खराब हो गई है, और ख़राब हो जाने के बाद जैसे कोई किसी को कुछ समझाता है वो आकर के अनाप शनाप बोल रही हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये पूरा पूरा लोग जान रहा है कि मैं विद्यासागर बैठा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 के जिला पार्षद पति हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। जो काल को जो आरोप लगा है वो सब गलत है। मैडम संगीता मैडम जी ऐसे आदमी ऐसे औरत मिला भी मुश्किल है हम लोग का बहन के सामान लेकर चलती हैं, सबको भी बराबर ही सम्मानित करती हैं, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। लेकिन उनके नेत नीचर जो हैं उनके गलत हैं, वो अपने विधानसभा के चुनाव के लिए कुछ भी आरोप लगा सकती हैं कि वो गलत है, ये है, हमको ये काम ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, लेकिन सब पार्षद लोग के सामान यानी जितना जिला परिषद जीत के आए हुए लोग सबको बराबर का काम, हाँ बराबर के काम ही मिलता है। तो डब्लू जी आप बताइए, जैसा कि ये जो प्रोपेगेंडा जो दिखाई दे रहा है अभी आपके जिला परिषदों के साथ कल का जो बयान आया उसको लेके और शौचालय पे भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उसको लेके क्या जवाब दीजिएगा? देखिए वो जिला पार्षदों की बात नहीं कर रही हैं, अपने महत्वाकांक्षा की बात कर रही हैं। जो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जितने लोग कल बैठे हुए थे उनका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको आगे करके वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को चुनाव लड़ना है, विधानसभा तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का। अब कुछ हथियार मिल नहीं रहा है, अब विधानसभा में एक विधायक को 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, अब उसका तुलना आप जिला परिषद अध्यक्ष से कीजिएगा कि अध्यक्ष भी हमको 5 करोड़ रुपया दे दे, तब ना होगा। अब कहाँ से अध्यक्ष जी 5 करोड़ रुपया देंगी, सालाना 8-8.5 करोड़ रुपया ही आता है, आप ही को अगर दे दिया जाए तो और सारे पार्षद क्या झाल बजाने आए हैं? उनको ये बात समझना चाहिए, आपको लड़ना है विधानसभा चुनाव, और बार बार संगीता देवी को टारगेट इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी रहे, मीडिया में रहे, 10 लोग जाने हैं कि ना ये विरोध करती हैं, ये करती हैं, वो करती, इससे कुछ होगा जी? सिवान के विकास बाधित होगा और सिवान की जनता हम सभी जिला पार्षदों को इसलिए चुनी है कि सिवान में विकास हो, और विकास संगीता देवी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि जिला परिषद पूरे सिवान जिला में जिसको कोई पहचानता नहीं था, कि जिसको कोई जानता नहीं था, उसको संगीता देवी ने आगे लाने का काम किया है। विरोध सही है लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। आप सदन में आइए, 32 करोड़ जो पेश किया जा रहा है उसमें क्या जनता समझ नहीं पाएगी इस चीज़ को? सब समझती है जनता, सब लोग एक एक लोग जानते हैं आपका, उसका देखिए फोरम बनाया हुआ है, आपको विरोध करना है सदन में, हाँ सदन में आइए, सदन में आकर के अपने बातों को रखिए, अच्छा ढंग से अपने बातों को रखिए, सदन में आपको जवाब मिलेगा कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना बकाया है, किसको कितना मिला, कितना नहीं, ये सदन की बात है, इसको सड़क पर ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं, ये सब लोग कोई जिला परिषद का के लिए ये लोग लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये लोग सिर्फ अपना लड़ाई, अपने महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई का ये भी है कि आप लोग का जो फूट है उसमें फूट चल रहा है, कहाँ फूट है? अब तो मिल गए हैं, दोनों सरकार मिल गया है, अब 5 साल इधर उधर नहीं होगा, दोनों सरकार मिल गया है, लोग अब बहुत मजबूत हो गए हैं, हम लोग 41 में 41 है, इधर उधर बात नहीं है, हाँ अकेले वो इधर उधर। देखिए
विकास मैडम जिस गति से कर रही हैं सिवान जिले का, इनके नेतृत्व में हो रहा है। हम भी सभी जिला परिषद सदस्य प्लस जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि छपरा को स्थिति देखते देखिए, आप चलाक हैं अगर तो ये छपरा की स्थिति देखिए, बगल में है, आपके पड़ोसी हैं जो लोग लड़ रहे हैं, जो मैडम से कंपटीशन करना चाहती हैं, इनकी और उनकी जमीन आसमान की दूरी है। उनको पता होना चाहिए कि यही लड़ाई का नतीजा रहा, ये 53 करोड़ से ऊपर रुपया जो है यही छपरा में पड़ा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। और आप मैदान एथी की बात कर रही हैं, जनता की बात कर रही हैं। अगर जनता की बात करना चाहती हैं तो अमन चैन और शांति से जो योजना पारित होता तो उसमें कॉपरेट करती आप, चाहे जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन कॉपरेट करते, और कॉपरेट ना कर करके विरोध किया जा रहा है तो मैडम का विरोध हो रहा है जी, 41 जिला परिषद का विरोध हो रहा है, पूरे जनता सिवान की जनता का विरोध किया जा रहा है उनके द्वारा, चाहे कुछ लोग हैं ऐसे। मैं उन लोगों से ये बार बार आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर सचमुच आप लोगों में निष्ठा है, ईमानदारी है और गरीबों की बात करते हैं और सिवान जिले के विकास की बात करते हैं तो आप लोग शर्म करिए और ये विकास में कॉपरेट करिए, नहीं तो छपरा वाला स्थिति आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा और हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग बड़े मजबूती के साथ हैं। यादव हाय हाय फूस में आओ के नारे लगा रहे थे, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया, किस तरह के नारे लगाने पड़े, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव में अभी टाइम है। देखिए सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग का बीमारी होता है और जो बीमारी लग जाता है वो छूटता नहीं है, तो दो चार पार्षद जो हैं उन लोगों को बीमारी लगा हुआ, सदन में भी बैठते हैं और बैठने के बाद अनाप शनाप बकना शुरू करते हैं, सदन चल रहा है किसी सवाल किसी और पे होना चाहिए, हो जाता है अध्यक्ष जी पे डायरेक्ट, ठीक है, अध्यक्ष जी का हाँ हाँ टारगेट मैडम को बनाया जाता है, उन लोगों का मनसा ही है मैडम का टारगेट बनाना। दूसरी बार जिला चेयरमैन बनी है ये तो पच नहीं रहा है ना, ना उनको थोड़ा सा कुछ स्वार्थ बस क्या कहते हैं अपना सोचने में वो लोग व्यस्त रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में 41 पार्षद को नहीं मिले, उनको मिल जाए टोटल रकम का कहते हैं 19 करोड़ रुपया जो आया है 15वीं वित्त का, 32 करोड़ का कहते हैं उनके डिक्शनरी कहीं का कहते हैं कहीं पटना से लेटर निकलवा करके लाई होंगे पंचायती राज विभाग से, कोई बात नहीं है, हम तो ऐसा नहीं जानते हैं। ऐसे हमको जहाँ तक जानकारी है कि सब कुछ आजकल नेट पर चल रहा है, हर चीज़ देखने का, उनका योजना भी देखना है तो देख सकती हैं। एक आरोप लगा रही थी कि क्या कहते हैं कि मैडम के द्वारा हम पूछे तो योजना का जानकारी नहीं दिया गया, अरे आप देखिए ना पोर्टल पर जाकर के देखिए अपना, हम भी अपना पोर्टल पर जाकर के देखेंगे, मैडम कितने लोगों का याद रखेंगे कि किनका किनका योजना कितना है क्या है कहाँ है नहीं है, जो आया उसको स्वीकृत थी कही उनको आगे बढ़ा देना है, यही ना काम है मैडम का कि सबका याद रख करके आप बताएंगे कि कौन कौन योजना, उनके क्षेत्र का नाम मैडम बताएंगे कि वो जानती हैं, उनके क्षेत्र के जो जनता है वो वोट दिए हैं उनको काम कराने के लिए, किस तरह से हंगामे करने के लिए। देखिए पूरा जिला का वो लोग कार्य बाधित रखते हैं, पूरा जिला का मुद्दा होता है, जब बैठक होती है तो हमको पदाधिकारी से कोई कार्य कराना होता है, लेकिन ये 3-4 लोग हैं जो पूरे सदन को बाधित कर देते हैं और अपनी बात को बेबुनियाद बात को अपनी बात वो सही बात रखते तो कोई बात नहीं रहता, बेबुनियाद बात का हल्ला हंगामा करना और सदन को स्थगित करके रख देते हैं, मतलब काम नहीं होने देते हैं और पूरा जिला बाधित रहता है उन लोगों से। एक दिन का बात नहीं है, आप तो एक मिसाल दे दे रहे हैं, प्रशिक्षण चल रहा था प्रशिक्षण, आप प्रशिक्षण में ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग मान लीजिए कि आप हमको सिखाने आ गए तो हम तो सिखाने का ना काम करेंगे, आप वो क्या करते हैं कि क्या कहते हैं वो सवाल करना मैडम से शुरू कर देती हैं योजना पे, तो यो मैडम को कैसे क्या कहते हैं एथी शौचालय।